ग्रेटर नोएडा की एक बार फिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की एक गोली 25,000 के इनामी अरबाज को जा लगी, जबकि इस दौरान घायल इनामी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आपको बता दें कि घायल इनामी अरबाज ओला कैब लूट के मामले में वांछित चल रहा था और कई जिलों में इसके लिए संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस की माने तो बदमाश अपने साथी के साथ क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। वहीं मुखबिर की सूचना पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जब इनामी की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। थाना आइकोटेक में अभी जो है वो जानकारी प्राप्त हुई है कि एक मोटरसाइकिल में दो युवक जा रहे थे और जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं, उसमें जो है वो पुलिस को उन्होंने फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी जो है वो युवक फायरिंग की, एक युवक को गोली लगी है और एक मौके से फरार हो गया है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो है वो एक CMP कंटेनर पिस्टल बरामद हुआ है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला है कि इसमें अरबाज जिसको गोली लगी है ये 25,000 रुपये का जो है वो इनामी है और हमारे आईकोटेक 3 में एक कार की लूट हुई थी उसमें ये सम्मिलित था। तो उसी क्रम में जो है इसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई और पुलिस की एक गोली अरबाज को जा लगी। वहीं इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर अरबाज का साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल इनामी से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस अब मुठभेड़ के दौरान फरार हुए बदमाश की तलाश कर रही है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, ग्रेटर नोएडा, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।